हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सागर इन्फो फॉर यू। और मैं सागर हमेशा की तरह आ गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सीएससी की कई और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो ये भी उनमें से एक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है आपके मनी वॉलेट का जो है पिन सेट कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपने एक नया सीएससी आईडी ओपन किया है, एज ए वीएलए आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपके मनी वॉलेट में जो है पिन सेट होना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों, अगर आप सीएससी से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, लाइक रिचार्ज करते हो, आप रिचार्ज करते हो या कोई कार्ड निकाल के देते हो या किसी का रजिस्ट्रेशन करके देते हो, तो वो हर जगह जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तब जो है आपको आपके मनी वॉलेट का पिन डालना ज़रूरी है। तो मनी वॉलेट का अगर आपको पिन डालना है, तो मनी वॉलेट का पिन जो है पहले सेट रहना आपका ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। और अगर आपको पता नहीं दोस्तों कि सीएससी आईडी के जो मनी वॉलेट में मनी कैसे ऐड किया जाता है, तो उसकी भी वीडियो दोस्तों मैंने इसी चैनल पर बना ली है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जो है वो भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जो है फिर ये वीडियो देख के आप जो है आपके मनी वॉलेट का पिन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। चलो तो फिर वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम जो है हम सीएससी के दोस्तों लॉगिन पेज पे आ गए हैं, जहाँ से दोस्तों जो है हम हमारा सीएससी आईडी लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन का जो सिंबल दिया हुआ है, उस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जो है आपको आपका सीएससी आईडी डालना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चा दिया है दोस्तों, वही कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको जो साइन इन पे क्लिक करना है। तो चलो हम जो है पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप आपका सी एस सी आई डी लॉगिन करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको सर्विसेज दिखाई देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो है दोस्तों आपको जो है प्रोफाइल, माय प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको माई प्रोफाइल दिखाई देगी, जिसमें जो है आपके सारे डिटेल जो है दोस्तों आपके सी एस सी आई डी में जो आपने जो आपके सी एस सी आई डी में दोस्तों आपने जो है एट द टाइम ऑफ आपने सी एस सी अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिए थे, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है, वहाँ पे जो है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप जो है आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हो या आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, चेंज वॉलेट पिन जो है, उस ऑप्शन के थ्रू जो है दोस्तों आपको जो है आपके मनी वॉलेट का जो है पासवर्ड सेट करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि डू यू नो योर करंट वॉलेट पिन। तो दोस्तों, अगर आप जो है एग्जिस्टिंग जो है सी एस सी सेंटर चला रहे हो, और आपने जो है प्रीवियसली जो है सी एस सी का जो है वॉलेट पिन ऑलरेडी क्रिएट किया था, और अब जो है आपको न्यू करना है, तो आप एस पे क्लिक करोगे। बट अगर जो है आप जो है नया वॉलेट पिन जनरेट कर रहे हो और वो जो है फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, हाउ डू यू वांट टू रिसीव योर ओटीपी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा मोबाइल नंबर से और भी कई ऑप्शन से दोस्तों, जिस ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है एट द टाइम ऑफ दी दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त सी एस सी सेंटर का, उस पर जो है आपको जो है एक ओ टी पी आएगा, वो ओ टी पी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आपका पिन जो रहेगा दोस्तों ये 6 डिजिट रहेगा, और आपको जो है दोस्तों इसमें जो है सिर्फ नंबर का यूज़ करना है। लाइक आप जो है यहाँ पे जो है आपका कुछ भी डेट डाल सकते हो जो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, बट वो 6 डिजिट होना चाहिए और वो नंबर होना चाहिए। आप आपका नाम एट द रेट और दो नंबर ऐसा नहीं डाल सकते, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर डालना है। पिन दोस्तों यहाँ पे जो है दो बार आपने डालने के बाद आपको जो है दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पिन जो है दोस्तों वो सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप जो है समरी में आके जो है आपका पास आपका दोस्तों यहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो आप जो है यहाँ से जो है आपका जो भी काम मिलता है, वो काम करने के बाद पेमेंट के लिए जो है वो आप जो है पिन डाल सकते हो। तो वो पिन डालने के बाद दोस्तों डायरेक्टली जो है आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है आपको जो है वॉलेट पिन सेट करना है।
आई होप दोस्तों मैंने बताया है उस तरीके से जो है आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है आपको जो है सी एस सी आई डी में मनी वॉलेट का पिन सेट करना है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं सी एस सी रिलेटेड, अनबॉक्सिंग रिलेटेड और भी कई दोस्तों टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल वीडियो जो है इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों देखने के लिए और नए वीडियोज़ के अपडेट मिलने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय बाय, टेक केयर।